चलिए, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हो विथ रूल्स रेगुलेशन सिस्टम पैटर्न, इसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग द कम्युनिकेशन विथ सम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जब एक स्ट्रक्चर से किसी से बात करेंगे वो फॉर्मल, और जब अंट संट जो तो बात कर लेंगे उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। इतना तो आप लोग सबको हम फर्स्ट डे ही पढ़ा देते। फॉर्मल मतलब रूल्स रेगुलेशन होगा, इनफॉर्मल मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा। ये पेपर राइटिंग पेपर है, मतलब इसका एग्जाम जो होगा ना आप लोग का वो रिटेन एग्जाम होगा। इस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका रिटेन एग्जाम होगा। तो भाइयों और बहनों बताइए, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसका रूल्स रेगुलेशन होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसका रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। यस और नो? यस। तो भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन का रूल्स रेगुलेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। फॉर्मल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, एक बार रिवीजन करा दे रहे। पहला पॉइंट था ओरल और रिटन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिटन होगा, लेकिन ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन ही होता है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं बाबू? रिटन। अब आइए अगला है फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिलेशन कैसा होता है फॉर्मल? देखिए डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन, बायर सेलर का रिलेशन, ये सब रिलेशन कैसा रिलेशन है? वो फॉर्मल। कैसा रिलेशन है? फॉर्मल। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, देखिए हम आपसे मजाक कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन हद तक, एक हद, एक लिमिट है हम लोग का। उस लिमिट के बाहर ना आप हमसे मजाक कर सकते हैं, ना हम आपसे मजाक कर सकते हैं, ना आप हमसे बात कर सकते हैं, ना हम आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फॉर्मल रिलेशन। कैसा रिलेशन है? फॉर्मल। वी आर वेरी मच फ्रेंक, हम लोग बहुत फ्रेंक है, बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं, हम लोग करते भी है, लेकिन एक हद तक, जहां तक किया जा सकता है, एक लेवल को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो यही तो फॉर्मल है, यही तो फॉर्मल का खूबी होता है, जहां पे आपको अपना बाउंड्री पता रहे कि कहां तक आप जा सकते हो। बस समझ। अगला है प्रिस्क्राइब्ड पाथ। लास्ट क्लास वाला रिवीजन करा रहे। प्रिस्क्राइब मतलब पहले से इसमें रूट डिसाइडेड होता है, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको क्या बोलेगा। उसके बाद है आपका, जिनका नहीं भी किया हुआ ना, चैप्टर 2 निकालिए, आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम का मैसेज देते हैं, अंट संट आलतू फालतू मैसेज एक भी नहीं देते इसमें। उसके बाद जी डिलीबरेट एफर्ट। डिलीबरेट मतलब क्या होता है? डिलीबरेट का मतलब होता है प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? यहां पर ये बिजनेस कम्युनिकेशन में जो बातचीत होता है ना वो प्लांट वे में होता है। डिलीबरेट मतलब हम लोग जानबूझ के करते हैं कि हमको किससे बात करना है और किससे बात नहीं करना है। इनफॉर्मल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो थोड़ा देर बाद आपको 2 मिनट बाद बस पढ़ाएंगे। तो फॉर्मल के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मल प्लान्ड होता है, फॉर्मल का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल का रूल्स रेगुलेशन होता है, फॉर्मल का पैटर्न होता है, इनफॉर्मल का कुछ नहीं होता है। जिसका कोई माई बाप ना हो उसको क्या बोलते हैं बाबू? इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। अगला है एडवांटेज। क्या फायदा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का? आइए, पहला फायदा, इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा। देखो जिंदगी में हो, आपका जिंदगी हो चाहे आपका बिजनेस, अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हैं तो ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करिए। जितना अच्छा बातचीत होगा, जितना स्ट्रांग तरीका से बातचीत होगा, जितना अच्छा बातचीत होगा, जितना स्ट्रांग तरीका से बातचीत होगा, उतना ज्यादा तरक्की होगा। जितना पुअर कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा गैपिंग होगा। जितना पुअर कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा गैपिंग होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। फोकस हमेशा किस पे करिए बाबू? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पे। किस पे बाबू? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पे। आइए पढ़ के देखते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली फॉलोज एंड विल डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड चेन ऑफ कमांड, सो इट कैन इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इजी कम्युनिकेशन। अच्छा, दूसरा है इजी कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर्मल में बातचीत बहुत आसानी से होता है। आसानी से मतलब सबको पता रहता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बात करना है। देखिए हम लोग जैसे YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो हम लोग कुछ भी बोल दे कि कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक तो छोटा सा 2 लाइन का नोटिस देगा, बस हो गया, फाइन। गवर्नमेंट 2 लाइन का नोटिस देगा, बस हो गया कि भाई आपका एग्जाम होने वाला है, बस हो गया ना। तो बात को समझिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल का यही फर्क है। फॉर्मल का फायदा यही है। फॉर्मल का फायदा क्या है कि ये लोगों का एफिशिएंसी, काम करने का एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा बेनिफिट है, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत इजी होता है फॉर्मल वाला। हम खाली पॉइंट्स बता रहे हैं, आप रीडिंग करना क्योंकि इजी बात लिखा हुआ, उसको डिटेल में पढ़ के फायदा नहीं है। अब आइए भाइयों बहनों 3 नंबर पॉइंट में, लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग देखो ये समझना जरूरी है। आप लोग से एक पर्सनल सवाल पूछ रहे, एक पर्सनल सवाल आप लोग सभी से पूछ रहे बाबू। सर साउंड क्लियर नहीं है बाबू। साउंड सुनाई नहीं दे रहा क्या सबको? साउंड सुनाई नहीं दे रहा क्या बाबू?
हाँ नो ओके हाँ नहीं, आवाज आ रहा है। कोई बोला हाँ, कोई बोला नहीं, क्लियर नहीं। ओके खोलिए, मैं एक मिनट ये क्लियर होगा, एकदम क्लियर कर देंगे, स्प्राइट जैसा क्लियर। एक मिनट दीजिए, एक मिनट बस। निकालिए, खोलिए, देखिए कितना खोल दिए बच्चे लोग। निकालिए, नेट निकालिए, नेट का इश्यूज गाइस, आप लोग तो समझते ही हो। क्या बाबू, कौन सा पासवर्ड? रेड नोट 8 विकास पास, वही ना क्या? नहीं वो दूसरा फोन किया था कल विकास, उसके बाद 1 2 3 4। देखिए हो गया गाइस। अब सुनाई दे रहा, देखिए। थैंक यू बाबू, नेट का प्रॉब्लम हो जाता है इसीलिए नहीं सुनाई देता है। बट आप लोग बोलना, देखो आप लोग बोलना, क्योंकि आप लोग बोलोगे नहीं ना, आप लोग नहीं बोलोगे ना तो आपको सुनाई नहीं देगा कि सच में आपको समय रखना है। आपको उस प्रॉब्लम का बोलना, बोलोगे नहीं तो गड़बड़ जाएगा। थैंक यू विकास। चलिए देखिए, सो गाइस स्टार्ट करते टॉपिक को। तो देखिए, तो अभी तो सुनाई दे रहा है बाबू। देखिए अगला है, लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, डबल है ना इसलिए नहीं बोल रहे, लेस चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ तो एक पर्सनल सवाल है आप लोग से, आप लोग जवाब देंगे, देंगे ना जवाब, छुपा तो नहीं ना लेंगे अपना मन का बात। अच्छा बताइए, आप लोग कभी भी बताइए, बहुत हेवी पर्सनल सवाल पूछ रहे, पर्सनल बात है, सबको रिप्लाई देना है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग का अपना, आप लोग बताइए, कभी आप लोग का स्कूल का जो हेड मास्टर है उससे झगड़ा हुआ है क्या? तब वो सस्ता वाला स्कूल में पढ़ते होंगे आप। नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए। अरे भाई मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होता है, जहां कम्युनिकेशन होता है। गाइस एक बात बताओ, इस हेड मास्टर से झगड़ा किसका होता होगा? वही पगला ही होगा उसका होता होगा, क्या जरूरत है भाई झगड़ा करने का? वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेस टॉक, लेस टॉक, देयर आर नो स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कम बात करेंगे प्रिंसिपल से, कम बात करेंगे, प्रिंसिपल लोग से बात ही नहीं करते हेड मास्टर से। हाँ क्लास टीचर से झगड़ा हो जाता है, क्लास टीचर से झगड़ा हो जाता है। काहे काहे क्लास टीचर को दोस्त बना लेते हो आप? मैम माय फेवरेट मैम, वही मैम का आज व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा, बेस्ट मैम एवर, अगला दिन उसको गाली दे रहा। वाह वाह, बस समझ रहे ना, एक स्टेटस बोला, एक लड़का बोला मैम से झगड़ा क्यों करेंगे भैया, चरित्र दिखा रहे आप अपना, आइए चरित्र दिखा दिए, बोला मैम से झगड़ा क्यों करेंगे, मतलब सर से झगड़ा करिएगा। वाह देखिए, क्लास टीचर लोग से होता है, काहे वही क्लास टीचर से आप खूब दोस्ती कर रहे, खूब बात कर रहे, खूब स्टेटस लगा रहे, बेस्ट टीचर एवर, बेस्ट टीचर एवर, अगला दिन उसी को मन में गाली दे रहे। तो दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग ना इनफॉर्मल रिलेशन में ही होता है। आपको मैं अच्छा बात बताते हैं, ये इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको बताते हैं, हम अपना अपना केस में भी बताते हैं। जैसे देखिए, सपोज मान लीजिए किसी से मेरा अच्छा बॉन्डिंग है, उसी से मेरा झगड़ा होगा, जिससे मेरा बॉन्डिंग ही नहीं है उसी पर झगड़ा होगा क्या? जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, एज ए स्टूडेंट टीचर हम लोग का बॉन्डिंग है और बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, आप लोग भी हमको मानते हो, हम भी आप लोगों को मानते हैं, बात खत्म, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना जिंदगी में खुश है, हम अपना जिंदगी में खुश है, हम स्टेटस लगाते हैं आप बोलते हो वाओ, आप स्टेटस लगाते हो हम बोलते हैं वाओ, हम फोटो छोड़ते हैं आप बोलते हो ऑसम पिक, आप वो छोड़ते हो हम बोलते हो ऑसम पिक, क्योंकि हम लोग का बॉन्डिंग अपना लिमिट में। दोस्तों फॉर्मल रिलेशन में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा होता है, बताएंगे थोड़ी देर बाद, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा वहां पे होता है। फॉर्मल रिलेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई झमेला झंझट नहीं, कोई चाप नहीं होता। देखो हम अगर हम ये कहेंगे ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो शायद हम गलत होंगे, होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत कम बहुत कम। हम बैंक में पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, निकालने के लिए जा रहे हैं, बैंक का मैनेजर हमारा पीटी कर लेंगे क्या? बैंक से हम पैसा निकालने जा रहे हैं, बैंक का मैनेजर को धूमधाम मारने लगेंगे, ऐसे मारने लगेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तब ना भाई। तो बैंक का मैनेजर से मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होगा भाई, वो अपना चेंबर में बैठा हुआ, हम जाते हैं पैसा निकालते आ जाते हैं। तो दोस्तों जहां पर फॉर्मल रिलेशन होता है ना, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है बाबू, कम, ये फायदा है। अगला देखिए, डेवलप रिलेशनशिप। अच्छा आप लोग में कोई कभी ममता बनर्जी से गुस्सा हुआ है? आप लोग में कभी कोई ममता बनर्जी से गुस्सा हुआ है? आप बोले नहीं ममता बनर्जी प्लीज आप मेरा बात मानी नहीं तो हम कूद जाएंगे बिल्डिंग से, एक बार होके देखिए, उसका देखिए दीदी क्या करेंगे, मारेंगे बेटा सीधे जेल में ले आके, दीदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ क्यों गुस्सा होंगे भाई, फॉर्मल रिलेशन है दीदी का हम लोग का, शी इज आवर चीफ मिनिस्टर, वी रिस्पेक्ट हर, वो हम लोग के मुख्यमंत्री, उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो हम लोग का रिस्पेक्ट करती है। उनका झगड़ा किससे होता होगा? शुभेंदु अधिकारी से।
देखे ना बेटा, सीटी हड़प लिया। देखिए देखिए आप सब, आप इसको मैनेजमेंट को समझिए, मैनेजमेंट उसको लाते हैं। शुभेंदु से दीदी का झगड़ा हुआ, काहे दीदी का बहुत क्लोज था शुभेंदु, तो जो जितना क्लोज रहेगा ना उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। और हम लोग आप लोग दीदी का ना क्लोज थे ना दूर थे, हम लोग कल भी बंगाल में थे, आज भी बंगाल में, कल भी बंगाल में रहेंगे। तो हम लोग दीदी को पहले भी प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जिस किसको होता है, जो लोग इनफॉर्मल रिलेशन बनाता है। याद रखिएगा, फॉर्मल रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगा, बहुत कम। बैंक, रेलवे, ये सब में आइए। इट हेल्प्स टू डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द इमीडिएट बॉस एंड सबॉर्डिनेट। मालिक और नौकर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता है अगर फॉर्मल रिलेशन हो तो। इसीलिए आप देखोगे स्कूल का हेडमास्टर स्ट्रिक होता है, ऑफिस का बॉस स्ट्रिक होता है। आपका डेटा स्लो हो जा रहा है सर, वॉइस कट रहा। देखिए कॉल आया था, अब नहीं कटेगा। देखिए अब कट रहा क्या, देखिए अब कट रहा, देखिए अब क्लियर है। हां कट रहा, दो मिनट रुकिए, अब ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, अब ठीक है। देखिए इसीलिए बोलते हैं ना आप लोग, फीस दीजिए, फीस दिया था ना, नेट रिचार्ज करेंगे मोबाइल में। इसीलिए बोलते हैं फीस दीजिए, दीजिए नेट रिचार्ज करेंगे। नेट रिचार्ज नहीं कर पा रहे, पैसा ही नहीं, कहाँ से रिचार्ज करेंगे। हाँ देखिए अब सुनाई दे रहा, देखिए अब सुनाई दे रहा। बच्चे लोग सारे बच्चे हंसने लग गए, बाबू टीचर है ना, ऐसे थोड़ी बन गए। आइए देखिए, एक बच्चे वाला हेवी स्मार्ट है तो देखिए अब सुनाई दे रहा, सबको सुनाई दे रहा भाई। वाईफाई हम लोग का बिल्डिंग में नहीं आता है बाबू, वाईफाई हम लोग का बिल्डिंग में नहीं आता है, नहीं तो आपको लगता है कि हम नहीं लगाते। हाँ सर स्टार्ट कीजिए, कितना अच्छा पढ़ रहे थे, डिस्टर्ब हो गया। तो गाइस फॉर्मल रिलेशन में ऐसे हम पूरा क्लास को ना लाइव रिकॉर्डिंग करते रहे पूरा। आज से जो वीडियो आप लोग को भेजेंगे ना यूट्यूब में, उसमें आप हमको देख भी पाइएगा, उसमें मेरा चेहरा भी नजर आएगा, मेरा पूरा एक्टिविटीज नजर आएगा आपको। तो आज से एक नया टाइप का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत होगा उसमें से देख सकते हैं। ई कौन है भाई, श्रेया साहब नंबर, कोई स्टूडेंट को तुम पढ़ाते ही नहीं है। हेलो श्रेया, आप कौन है बाबू, क्योंकि श्रेया साहब नाम का कोई स्टूडेंट को पढ़ाते ही नहीं है ट्यूशन। अब ज्यादा हो रहा है, चलिए भाई। कोई बच्चा अपना लिंक, कोचिंग का लिंक मत शेयर किया करिए बाबू किसी से आप। देखिए अभी तीन चार तो लड़की और दो तीन तो लड़का लगा रहे थे, नया नया, हम सबको हटा दिए। बोले कोचिंग करने के लिए लोगों को चीटिंग करना पड़ा, छोड़ी करना पड़ा वा। आइए गाइस, तो देखो अभी फिर एक बच्चा आ रहा, आदि अली, किसी का दोस्त है भाई आदि अली, आधा लहसुन सब आएगा बेटा यार, भिंडी बैगन। आइए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है, उसके बाद है डेवलपिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छा रहता है। उसके बाद है आपका परमानेंट रिकॉर्ड। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न होता है, आप लोग का जो रिजल्ट निकला है उसको अगर आप 5 महीना बाद भी चेक करोगे ना तो आपको साइड में दिखेगा, 5 महीना बाद भी आप चेक करोगे तो साइड में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल है। तो दोस्तों फॉर्मल रिलेशन जहां होता है ना वहां रिलेशन बहुत अच्छा होता है, याद रखिएगा। फॉर्मल रिलेशंस आर जनरली गुड। फॉर्मल रिलेशन में ना रिकॉर्ड आपके पास रहता है, जैसे आप देखते होंगे स्कूल में या कॉलेज में बोलता है ना कि एप्लीकेशन दीजिए, तो एप्लीकेशन क्यों मांगता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेने का मतलब है कि उसके पास एक प्रूफ रहेगा कि बच्चा मेरे पास पढ़ता था, या बच्चा एब्सेंट लिया है, या बच्चा हमको एप्लीकेशन दिया था। तो फॉर्मल रिलेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है हम लोग के पास। अगला है इजी ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर को आसानी से हम लोग बांट पाते हैं। अगर हम लोग को पता रहता कि मेरे से ऊपर कौन है और मेरे से नीचे कौन है, अगर हमको पता है कि मेरे से ऊपर एक बॉस है उसको हम रिपोर्ट करेंगे, अगर हमको पता है कि मेरे से नीचे विकास है, मेरे से नीचे सतीश है, मेरे से नीचे अमन है, तो वो लोग को जाकर के हम सवाल पूछेंगे, वो लोग को बताएंगे कि ये गलत है कि सही है। तो दोस्तों फॉर्मल रिलेशन जो होता है ना, फॉर्मल रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मल रिलेशन इसको बढ़ाता है, फॉर्मल रिलेशन इसको प्रमोट करता है। अब आइए डेलीगेशन मतलब बांटना बाबू। तो गाइस हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन से, फॉर्मल कम्युनिकेशन आप लोगों के नजर में, आप लोग अभी तक बताइए क्योंकि अभी तक सिर्फ तारीफ किए हैं हम, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा है या बुरा है,
आप लोग अपना व्यू दीजिए, गुड और बैड, गुड और बैड, नहीं आप गुड और बैड में से अभी बताइए आपके हिसाब से अभी तक आपको क्या लग रहा है, अच्छा ही है, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख रहे तो एक लड़का है कि बेटा फेक फेक आईडी से एंट्री मारने मांग रहा है क्लास में, अब उसको क्या बोले, अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, मैं दोनों मोबाइल इंगेज है। देखिए बताइए क्या जमाना आ गया कि आदमी को ऑनलाइन क्लास करने के लिए चोरी करना पड़ा, डकैती करने मांग रहा हूँ मेरा, हम लोग गूगल मीट का क्लास में एंट्री करने मांग रहा, बताइए क्या बोलेंगे गरीब को। आइए देखिए तो गाइस, अच्छा आप बताइए फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है कम? फर्स्ट आंसर देने वाला को 1,00,000 रुपए का इनाम। नकली कम, वेरी गुड वेरी गुड, पहले बोल दिया देव। और बताइए फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड रहता है कि नहीं रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि नहीं रहता है, रहता है रिकॉर्ड, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं बेइज्जती होगा, बेइज्जती रेडी रहो गांव वालों, किसी का बेइज्जती करना हम लोग का शौक है, बेइज्जती करना अपना हॉबी है दोस्त। हाँ अब हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का, फॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर्स, फॉर्मल का एडवांटेज, फॉर्मल का डिसएडवांटेज। अब फॉर्मल का बेइज्जती होगा भाइयों और बहनों, आइए थोड़ा बेइज्जती करने के लिए रेडी हो जाइए। पहला टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, तब से हम लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। जब चेन बनाइएगा ना आप, टॉप लेवल मिडिल लेवल बॉटम लेवल, चिट्ठी लिखिएगा, इस समय तो टाइम लगता है, आप खुद सोच के देखो, आप कॉलेज में जैसे कॉलेज में कोई काम से आप गए, कॉलेज वाला आपका बात, आप पूरा प्रॉब्लम बोल दिए, बोले ठीक है स्टेटस सुनी नहीं ची, ये एक्टिव एप्लीकेशन दिए, कितना गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होता है, टाइम कंज्यूमिंग क्या था वो, टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा ये मोर वर्कलोड, काम का चाप इसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन को बहुत सारा लेवल से पास करना पड़ेगा, जैसे दरवान जी जाकर के क्लास टीचर को बोलेंगे, क्लास टीचर जाकर के वाइस प्रिंसिपल को बोलेगा, वाइस प्रिंसिपल जाकर प्रिंसिपल को बोलेगा, तो एक लंबा चौड़ा चेन है इसका। अगला है लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंसान चाह करके भी ना कुछ कर नहीं पाता है, उसका अपना बुद्धि जो है ना बंद हो जाता है, कैसे, गवर्नमेंट नोटिस दिया उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो बोला हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब हमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको बात मानना पड़ता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आई अगला है लैक ऑफ कॉर्डियलिटी। देखिए तब से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है फॉर्मल में, अलग अलग लेवल होता है। देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल का भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल है। अच्छा कोई भी कंपनी में जाइएगा देखिएगा, लोअर मैनेजमेंट मिडिल से जलता है, मिडिल मैनेजमेंट टॉप से जलता है, एक दूसरे को तो जलन ही बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के अंदर में जलन ही इतना ज्यादा है कि बिजनेस कैसे चलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। लास्ट पॉइंट है लेस इफेक्टिव, उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कि हम लोग भारतीय लोग हैं, खासकर के इंडिया जैसे देश में लोग मिलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं, इंडिया जैसे देश में आप ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाओगे। मिस्टर गोविंद प्लीज पिक अप द फोन, आपका फोन बज रहा है। इंडिया जैसे देश में ज्यादा रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस आप लगाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा, बस समझे, रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस अलाउ नहीं किया जाता है इंडिया जैसे देश में। नेक्स्ट आइए लास्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, बड़ा अच्छा बात बोला है, इमरजेंसी में। ये देखो आप पॉइंट को समझ लिए, कोचिंग का नोट्स आपके पास है, बना के लिखना आप। अरे भाई अपना फेक आईडी से क्यों एंटर कर रहे हैं भाई, अपना नाम तो लो ना यार, कोई स्टूडेंट ही है इसका मतलब, इतना बार कर रहा तो। ये लोग हिंदी में एक बार समझा दिए बाबू, देखिए आप लोग सभी को बोलते आप लोग अपना नाम से क्यों नहीं एंटर करते भाई, जीमेल आईडी बनाने में 2 रुपया भी नहीं खर्चा होता है, अपना नाम का आईडी बनाइए ना कॉलेज में, इसलिए कॉलेज में भी प्रॉब्लम हुआ बहुत सारे बच्चों का, अपना नाम रखिए ना, क्या गेमिंग फेमिंग नया नया नाम लिख दे रहे। इधर कॉल आ रहा समझ गए, मिस्टर गोविंद प्लीज पिक अप द फोन, आपका फोन बज रहा है, पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, खराब कर रहे हो यार। एक तो बेटा टाइम पे क्लास में एंट्री नहीं करेगा,
अरे रिस्क होता है ना, मान ली किसी को एंट्री कर दो बड़ा गाली देकर चला गया, फेक आईडी में होता है ना कॉलेज में, ये सब होता है प्रॉब्लम, इसीलिए रिस्क लेने फायदा नहीं। नहीं कोई बाहर का आदमी आके कर गया, उसको हम कहाँ घुसते रहेंगे, कौन था होता है। देखिए देखिए इसमें एक रिस्क होता है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, कोई मान लीजिए फेक आईडी से एंट्री किया, उसको हम ले लिए क्लास में एंटर कर दिए, एंटर करने के बाद मान लीजिए एक तो अब्यूजिव वर्ड यूज कर दिया, या कोई स्टूडेंट कोई मान लीजिए गंदा वर्ड बोल दिया या गाली दे दिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या कर देंगे, उसको कहाँ खोजने जाएंगे। इसीलिए कोई भी आदमी नया आईडी से आइएगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपना नाम रहेगा तभी एक्सेप्ट करेंगे, तो अपना नाम से पहचानते रहेंगे ना कौन लड़का है, तब उसका खेला हो जाएगा। देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं, तो पहचानते रहेंगे तो किसी हिसाब हो जाएगा, नहीं चीजेंगे तो गड़बड़ जाएगा ना। देखिए तो कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मल का कुछ फायदा भी है कुछ नुकसान भी है। नॉट सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में सुटेबल नहीं है, इमरजेंसी के केस में सुटेबल नहीं है, काहे? देखिए हम क्या बोले, मिडिल बॉटम वाला मिडिल से, मिडिल वाला टॉप से, तो एक तो चेन है ना बाबू, तो चेन को जब आप फॉलो करिएगा ना उसमें इमरजेंसी के केस में गड़बड़ जाएगा। बहुत बार जब हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, इमरजेंसी में पेशेंट पड़ा हुआ लेकिन आपको कागज बनाना पड़ता है, क्योंकि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है वो, फॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यही एक खराबी है। तो कुछ खराबी पड़े, फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज, फॉर्मल वाला कंप्लीट। अब आते हैं अपना कम्युनिकेशन, अपना दिल का धड़कन में आते हैं अब हम लोग, अब अपना बात होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आइए आइए अपना बात होगा हम लोग का। गाइज हम लोग आप लोग जितना बात करते हैं ना, हम लोग आप लोग अपने फ्रेंड से जो बात करते हैं, हम लोग आप लोग अपने दोस्तों से जो बात करते हैं, मम्मी पापा से जो बात करते हैं, ये सब का सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। What is informal communication? So when there are no structure, when there is no pattern, when there are no ideology, what you are talking about? क्या बात कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है, बस आप बात कर रहे यार, हम आपकी निगाहों में आप हमारी निगाहों में, हम आपकी निगाहों में आप हमारी निगाहों में, आप कुछ हमको बोल रहे हैं हम कुछ आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अलबल बोल रहे हैं पता नहीं, तुम्हारे लिए नस काट लेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सुने ना, ये लाइन बहुत पॉपुलर है हम लोग का देश में, यंग बच्चा, यंग मतलब क्या 19 वाला लोग, आप लोग नहीं बाबा, आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे हो, 19 का बच्चा लोग खड़ा होकर बोलेगा ए हमारे कथा ना बोल बाबू हमें हाथ तक केटे नहीं, वही तो लोग केटे नहीं चीता, देखो एक खून भी रखी काट भी लेता है, चाकू भी लेके आता है, देखिए चाकू भी संग में लेके आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गाइस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पगला पगली से कम्युनिकेशन कर रहा है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बस अरे महिला मित्र पुरुष मित्र से बात करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गाइस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है ना इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। रिसु हाथ काटा था ओके, रिसु हाथ काटा था ओके, यंग लड़का हो सकता है। गाइस फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, जिसका कोई पैटर्न नहीं, जिसका कोई सिस्टम नहीं, क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है, बस बोल रहे, बस इंप्रेस करना है कुछ भी, हाँ इंप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, इंप्रेस करने के लिए क्या बोल देंगे बाबू कुछ भी, यही तो इनफॉर्मल होता है। व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स दैट इज इनफॉर्मल, व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन यू टॉक टू एनीवन विदाउट थिंकिंग दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बस अब मेरे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, बस किसी को बोलने के लिए कुछ भी बोल दो भाई, यही तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलता है दोस्तों, गवर्नमेंट जब कोई भी चीज बोलता है तो स्ट्रक्चर में बोलता है, वो पैटर्न में बोलता है, इसीलिए आप देखोगे गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन मेरा आपका जो कम्युनिकेशन है, मेरा आपका तो हम लोग टीचर स्टूडेंट है तो हम लोग तो फिर भी काम का बात करेंगे, फिर भी एक तो रेलिवेंट काम का बात करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब बिना मतलब का बात, बगल में खड़ा है पेंसिल दे दे बोले बाबू पेंसिल दे दे थैंक यू, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अंट संट बोल दे रहे जो भी, बात समझ रहे ना। तो गाइज वो आपको जो एग्जांपल है तो जवाना में गाना सुने थे ना आप लोग, मैं दिल भी कितना पागल है प्यार तुम्हें से करता है, बोले सुने ना आप लोग, मैं दिल भी कितना पागल है प्यार तुम्हें से करता है, ये लाइन वही बोलता है जो खुद पगला है, उसको बेटा दिल पागल नहीं तुम पागल हो, मेंटली पागल हो, इसलिए तुम ऐसा ऐसा लाइन बोल रहे हो। दोस्तों समझने का चीज है, समझने का चीज है, यू नो लव एंड इमोशंस नीड नॉट बी शेयर्ड। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, किसी को आप मानते हो, किसी को आप प्यार करते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, अगर आप सही हैं सामने वाला समझ जाएगा, उसके लिए आपको ये सब बढ़ती बोली नहीं बोलना होगा, बड़ा बड़ा लाइन बोल दे रहे, सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। काहे बोली तो अभी बच्चा लोग तो होगा ना, छोटा 19 पास बच्चा लोग है, वो लोग तो ये सब पढ़ा नहीं ना फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो लोग का बेटा हरकत तो ऐसा होना ही, बट आप लोग नहीं करोगे, जैसे आप कभी बोलने जाओगे किसी को तो आपको याद आएगा भैया पढ़ाए थे, इसी गलत हो जाएगा, इसी गलत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सामने वाला लड़की भी मेरे पास ही पढ़ी ट्यूशन, तो ब्लॉक कर देगी आपको,
क्योंकि स्मार्ट हो, तो स्मार्ट बच्चा लोग तो पढ़ा पढ़ा के स्मार्ट बना दिया आपको, क्योंकि आपको सिखा रहे हैं, गाइस सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। द कम्युनिकेशन टीचेस यू दैट, जो तो बोल देंगे, अनसर्न बोल देंगे, ऐसे थोड़ी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जब आप जिससे तिससे जो भी बात कर लेंगे उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। अकॉर्डिंग टू बूवी एंड हिज एसोसिएट, बाबा आदमी का नाम है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट रिगार्ड फॉर द फॉर्मल स्ट्रक्चर, हायरार्की और रिपोर्टिंग रिलेशन। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं, अंट संट। क्या बोलते हैं उसको? अंट संट, ब्ला ब्ला ब्ला। इंग्लिश में एक लाइन है, आप लोग कॉलेज स्कूल में सुने होंगे, जब आप लोग स्कूल में बहुत बार बोलते सुने होंगे, मैम हम लोग आगे बोलती थी ब्ला ब्ला ब्ला, तो ब्ला 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 को मैम को भी कुछ नहीं आता है। और पता है ब्ला 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 क्यों बोल रही है? उसको आगे का बात पता नहीं, यू नो दिस 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 ब्ला 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 ब्ला, व्हाई शी सेइंग ब्ला ब्ला ब्ला, वो ब्ला 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 क्यों बोल रही है पता है? बिकॉज उसको आगे का इंग्लिश भूल गई होगी, पता है ना, ब्ला 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 वही बोलता है। जैसे हिंदी में बोलते इत्यादि, हिंदी में जब आप पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य पढ़े होंगे, तो हिंदी में एक शब्द होता है इत्यादि, राम श्याम सीता गीता इत्यादि, इत्यादि मतलब और भी बहुत कुछ, इसका मतलब आगे का नाम आपको याद नहीं। So guys, when you say etc., when you say blah blah blah, that means you don't know exactly what is the word that is after this. So guys, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इसी तो समझा रहे आपको informal communication. Informal काम नहीं, बार बार आप जा रहे आ रहे बाबू, काम नहीं, बार बार आप एंट्री कर रहे एग्जिट कर रहे बाबू, तबियत खराब है क्या? देखिए आगे पढ़ते हैं। So more person at a different status without following any informal relations in a chain of command in the organizational structure, it may overlap roots, levels and position. It is direct, spontaneous and unofficial in the nature. मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। It arises due to the personal need of the members of the organization. बोला है कोई level नहीं, कोई structure नहीं, कोई pattern नहीं, कोई level नहीं, कोई structure नहीं, कोई pattern नहीं, boss के साथ भी आप dance कर रहे हो, informal relation. कोई भी स्ट्रक्चर नहीं। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, देखो जब किसी का शादी में आप जाते हो और लॉलीपॉप लागे लू गाना पे डांस करते हो, जब किसी का शादी में आप जाते हो और लॉलीपॉप लागे लू गाना पे डांस करते हो, वो फॉर्मल रिलेशन है कि इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल रिलेशन है। जब फॉर्मल रिलेशन क्या? इनफॉर्मल, गए डांस करने, आपको कोई बुलाया नहीं डांस करने, फिर भी आप डांस करने लग जा रहे, यही तो इनफॉर्मल रिलेशन है। कोई नहीं बोला, कोई नहीं टोका, पैसा ऊपर से पैसा जब फेंका, आदमी लोग पैसा लुटाता ना बिहार में, पैसा भी आप लूटने लग जा रहे। इनफॉर्मल चरित्र आपका, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं। गाइस रिप्लाई देना जरूरी है आप लोग सबको, आप मेरा बात से एग्री है तो बोलिए, डिसएग्री है तो रिप्लाई करिए, समझाइए कि नहीं भैया ये बात से हम सहमत नहीं है, हमको समझाइए, हम समझाएंगे। तो गाइस इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिलेशन वो होता है ना जहां पे कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आदमी जैसे तैसे बात करता है। आई होप आप मेरा बात को समझ गए होंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। अब हम लोग फॉर्मल का फीचर्स पढ़ेंगे, फॉर्मल का फीचर्स। पहला, सॉरी इनफॉर्मल का, सॉरी गाइस, इनफॉर्मल का अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई चैनल नहीं होता है, चैनल मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कौन किससे बात करेगा पता नहीं। कभी व्हाट्सएप में चैट कर लिए, आप लोग देखते होंगे अपने लाइफ में भी मिलाना, आप लोग ऐसा होता है एक ही इंसान से व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहा, फेसबुक में मैसेज कर दिए, वो इंसान को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दिए, वो इंसान को आज तक मैं चैनल में न्यूज देख रहे उसमें भी मैसेज कर दे रहे। आप लोग ना कभी लाइव न्यूज देखना, बड़ा मजा आएगा, हम देखते हैं ना तो हमको देखते बड़ा अच्छा लगता है। आप स्क्रीनशॉट आप लोग से शेयर करेंगे, देखिएगा कभी भी जब लाइव न्यूज चलता है ना, लाइव को भी लाइव स्ट्रीमिंग जब चलता है फेमस फेमस यूट्यूबर लोग का, तो जब लाइव स्ट्रीमिंग चलता है उसमें बहुत हजारों हजारों लोग रहते हैं, तो उसमें एक एक लड़का लोग ऐसा रहेगा कि वो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा उसमें लोग कमेंट करेगा, सपना आई लव यू, कमेंट करे सपना आई लव यू, सपना मेरा मैसेज देखो, सपना प्लीज मेरा मैसेज दो, सपना तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे, सपना सपना रिप्लाई दो प्लीज, बस मैं मतलब इतना मैसेज दे रहा, इतना मैसेज दे रहा पूरा यूट्यूब को बढ़ दे रहा। यूट्यूब बनाने वाला भी सोचता, रिसु भी ऐसा करता है, ओके रिसु अच्छा लगा यार, बस समझे। तो दोस्तों ऐसे भी तो लोग होते हैं, ये कम्युनिकेशन जो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे ना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्यों? जहां तहां आज तक वाला लाइव पे चला आ रहा, मेरा कोचिंग का लाइव पे भी बेटा आ रहा, कभी 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 मान लीजिए इंस्टाग्राम में मैसेज कर दे रहे, कोई चैनल फिक्स नहीं होता है। इनफॉर्मल का कोई चैनल फिक्स नहीं होता है। इनफॉर्मल का चैनल होता है क्या गाइस? इनफॉर्मल वाला का कोई चैनल नहीं होता है, चैनल होता है हाँ या नहीं?
अच्छा, इतना समझने के बाद अगर मैं आपसे डिफरेंस भी पूछूं फॉर्मल इनफॉर्मल का, तो आप आराम से बता देंगे। फॉर्मल का स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर्मल का स्ट्रक्चर होता है, इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर्मल का पैटर्न होता है, इनफॉर्मल का पैटर्न नहीं होता है। फॉर्मल में लोग एक रूल्स रेगुलेशन से बात करते हैं, इनफॉर्मल में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। ये देखते हैं, नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। अगर हम अपना बॉस को गुड मॉर्निंग भैया, फॉर्मल का चैनल क्या होता है? यस, वेरी गुड साहिल। फॉर्मल का चैनल मतलब जैसे मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं साहिल, टॉप, मिडिल और बॉटम। तो बॉटम वाला मिडिल को बोलेगा, मिडिल वाला टॉप को बोलेगा। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। समझे साहिल? साहिल समझे बाबू? साहिल समझ रहे बाबू की? फिर से बोले। यस, देखो जैसे कोई रेलिवेंट क्वेश्चन रहेगा ना, हम तुरंत उसको पिकअप कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आंट सन लिख रहे, इनफॉर्मल बात लिख रहे, उसको क्या देखेंगे। आइए अगला है, नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं करता। काहे? एक बात बताइए, हम कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी बॉस है, मान लीजिए मैम है मेरा ऊपर मैम है, जॉब करती है। हम मान लीजिए काम का फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, नॉर्मल स्टाफ है और मेरे ऊपर मेरी बॉस है, कोई मान लीजिए मैम है जो वहाँ पे हेड है मान लीजिए। अब मान लीजिए मैम हमको बहुत मानती है, मैम हमसे बात करती है, हंसी मैक करती है, तो मेरा गलती थोड़ी है। तो गाइस इनफॉर्मल समझिए, आप लोग बताइए मेरा गलती है क्या? अगर मैम हमको आके बोले गोविंद जी गुड मॉर्निंग, तो मेरा गलती है क्या? बताइए मैम अगर हमको आकर के बोलती है गोविंद जी गुड मॉर्निंग, मेरा गलती है गाइस? बताइए आप लोग बताइए, यस और नो? अगर आप लोग बॉस रहोगे तो हमको निकाल दोगे क्या जॉब से? आप लोग बॉस रहोगे निकाल दोगे हमको जॉब से? बॉस तो वही है, मतलब बॉस का भाई है आप मान लीजिए, ये बॉस का बहन है, तो आप क्या हमको निकाल देंगे जॉब से? हम क्या गलती करते, कुछ गलत काम कर दिए क्या भाई, कुछ पाप कर दिए क्या? गुड मॉर्निंग तो मैम को बोली, हाँ मेरा मुस्कुराहट ऐसा, तो मेरा गलती नहीं है, बस देखिए मैम पैदा हो गई। तो देखिए, तो मैम समझिए ये इनफॉर्मल रिलेशन है। आपको हम एग्जांपल दे रहे थे, क्योंकि आपका एग्जांपल देते तो आप लोग बुरा मान जाते, हम अपने एग्जांपल ले लिए। तो गाइस हम मैम से बात कर रहे हैं, मैम हमसे बात कर रही है, मैम हमको मैसेज करती है, मैम बोलती है ऑसम पिक जीके जे, हम बोलते ऑसम पिक मैम, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? मैम को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, मैनेजमेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होता है। मैनेजमेंट हंसते हंसते स्वागत करता है, बोला करिए, आप लोग का मैटर है, आप समझिए, हमको काम से मतलब है। किससे मतलब आपको? काम से, समझे ना? देखिए आगे आइए, तो जल्दी बताइए फॉर्मल का कोई चैनल होता है, इनफॉर्मल का कोई चैनल होता है क्या? नहीं। बना के लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा, नॉन एमसीक्यू पेपर है। पॉइंट्स याद करिएगा कोचिंग का नोट से, और उसके बाद उसको उन लैंग्वेज में लिखिएगा। अच्छा, नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट बट मैनेज बाय द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ गॉसिप, ओ माय गॉड, इट मे बी ट्रू और रूमर्स। बोला बात करते हैं एक दूसरे से, क्यों बुरा लग रहा है आपको? मैं हमसे बात करता आपको जलन हो गया ना? अरे बात कर रहे, बात करते करते गप करने लगेंगे, गप समझते, गप मतलब खाली बात हो रहा, हंसी में हो रहा, काम पाम कुछ नहीं हो रहा। मैम गुड मॉर्निंग गोविंद जी, गुड मॉर्निंग मैम, अरे गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग सोना, ये होने लगेगा। तो दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, यही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अपना भाई कोई पैटर्न नहीं है, कोई मैनेजमेंट का रोल नहीं है। मैनेजर वाला बोले बोले रुको भाई, मेरा पर्सनल मैटर है, तुमका काम सही है मतलब है, बस मैनेजर को काम से मतलब है, मैनेजर को काम से मतलब है, वो मैनेजर का पर्सनल मैटर है भाई। आइए मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। देखिए आप देखो क्या है ना, वैसे तो फॉर्मल वाला ज्यादा भरोसेमंद होता है, लोग फॉर्मल पे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है ना कि इनफॉर्मल ज्यादा भरोसा है। काहे? जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए हमको बॉस आके बोला, देखिए मान लीजिए हमको बॉस आकर के बोला कि उत्तम आपके बारे में बुराई कर रहा था, तो हमको विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो फॉर्मल चैनल है। लेकिन मान लीजिए चंदन हमको आके बोला कि उत्तम आपका बुराई कर रहा था, तो शायद हमको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इंसान को ना अपने दोस्तों पे, अपने प्राइवेट सोर्सेस पे ज्यादा भरोसा होता है। वी डोंट बिलीव ऑन आउटसाइडर्स, हम लोग उन लोगों पे ज्यादा बिलीव करते हैं जिनसे हम लोग का कम्युनिकेशन है। देखिए किसी का यार हंस रहा है, बारिश आ गया, देखिए किसी का यार हंस रहा है, देखिए बारिश होने लग गया, देखिए किसी का यार हंस रहा होगा, देखिए आप लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं, देखो बाबू बारिश आ रहा है, आप लोग एरिया में भी बारिश हो रहा है क्या बाबू? देखिए हम लोग का सारा यार लोग हंस रहे,
इसीलिए बारिश हो रहा है, मेरे सारे स्टूडेंट लोग हंस रहे इसलिए बारिश हो रहा है। नाइस लॉजिक हाँ, हाँ तरन्नुम परवीन प्रियंका सारे बच्चे लोग हंस रहे। चलिए अगला है बाबू भरोसा। तो लोग भरोसा किस पे ज़्यादा करते हैं? पीपल ट्रस्ट मोर ऑन, पीपल ट्रस्ट मोर ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला है फ्लेक्सिबल। इनफॉर्मल का एक खूबी है, खूबी बोल सकते हो, इनफॉर्मल का खूबी ये है ना कि लोग फ्लेक्सिबल मैसेज होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे मान लीजिए हम आपको, जैसे हम आपसे बात करने के लिए आए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरा मार्क्स आया, हम ऑनलाइन एग्जाम दिया, उत्तम भी ऑनलाइन एग्जाम दिया, तो मेरा मार्क्स आया 90, उत्तम का मार्क्स आया 100, चारों सब पाँचों सब्जेक्ट में 100 आए। अभी उत्तम हमको खुशी से आगे सुनाने वाला था कि भैया हम टॉप कर गए, मेरा हम पूरा CU में टॉप कर गए, ऑनलाइन एग्जाम में मेरा सब में 100-100 करके आया। लेकिन जैसे वो देखा कि मेरा मार्क्स कम आया तो वो अपना टॉपिक चेंज कर दिया। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है, हम लोग बात करने जाते हैं कुछ और, बट देखते हैं कि इंसान का मूड ठीक नहीं है, इंसान का मन ठीक नहीं है। बहुत बार आप सोचते हैं जाएंगे मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मम्मी क्या बोलेंगे, मम्मी मम्मी क्या बोलेंगे, मम्मी मम्मी मोबाइल दिला दीजिए, क्या दिला दीजिए, मोबाइल। लेकिन जैसे आप घर में पहुंचे, सपोज आपका अच्छा मार्क्स आया, मम्मी बोली थी कि अच्छा मार्क्स लाओगे मोबाइल दिला देंगे, अच्छा मार्क्स आपका आ गया, आप मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मोबाइल दिला दीजिए, जैसे आप मम्मी के पास जाते हैं ना, आप सोचे थे कि आज बोली देंगे मम्मी को, लेकिन जैसे मम्मी के पास पहुंचते हैं देखते हैं मम्मी घर में बर्तन मार रही, ले बर्तन ले हड़िया ले चप्पल ले जूता अटैक कर दी, अपने छोटा भाई को मार रही है, छोटा भाई को मार रही है, छोटा बहन को मार रही है। उस समय आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, मोमेंट सही नहीं है भाई। उस समय आपका मम्मी, आप मान लीजिए वहाँ पे जाके खड़ा हो गए मम्मी के सामने, बोले मम्मी एडो बात था, बोले क्या बात था, बोले कुछ नहीं, बोले खाना वाना दे देते तो अच्छा रहता। टॉपिक चेंज व्हाई यू नो, बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जब मन तब बात बदल देंगे, जब मन तब पलटी मार देंगे, जब मन तब टॉपिक चेंज कर देंगे। एक बार बोल के तो देखो, इनफॉर्मल में आदमी मूड के हिसाब से बात करता है, मूड के हिसाब से टॉपिक चेंज करता है। बोलने वाले थे कुछ और, देखिए मूड सही नहीं, बोल दिए कुछ और, यही होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी, अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी गाइस। क्या हुआ CSE? इट इज मोर फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज। और एक अच्छा बात बोला इसमें एक और अच्छा खूबी ना, फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। कंपनी में जाइएगा, बड़ा बड़ा कंपनी में जाइएगा, पहले खड़ा रहिएगा मुंह लटका करके, फिर बॉस आएगा, गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों ये जो कॉलेज लाइफ में आप जिंदगी जी रहे ना, इससे खूबसूरत जिंदगी आपको कभी मिलेगा ही नहीं, ये भी याद रखिएगा। और इसको आपको जितना हो सके जिंदगी को जी लीजिए। आप देखते हैं ना, हम रोज एक स्टेटस लगाते हैं, उसको आप फॉलो करिएगा जिंदगी में। देखिए जिंदगी काट कोई भी लेता है, जीना सीखिए, तो उसको ना एकदम इंजॉय करिए लाइफ को। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद जब आप जॉब में जाएंगे ना, वहां पे कोई आपका बात सुनने वाला नहीं रहेगा। आप होंगे अपना घर के लिए, आप हो सकता है बहुत स्पेशल होंगे, जब ऑफिस में जाएगा मुंह लटका के खड़ा रहना पड़ेगा, चुपचाप मुंह लटका के आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और जैसे आप खड़ा रहेंगे ना, उधर से बॉस आएगा, बोले खड़ा क्यों है, काम करो, खाली बेटा मुंह लटका खड़ा रहते हो। सब लोग आपको सिर्फ बात ही करेंगे दोस्त। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा है? इनफॉर्मल में लोग कॉलेज पास होंगे तब ना भैया नौकरी करेंगे। ग्रेट जॉब, पास होना जरूरी है। अभी ऑनलाइन हुआ है, अभी 6-5 सेमेस्टर बाकी है, और जीवन भर आपका ऑफलाइन तो होगा नहीं, ये तो आप भी समझ रहे। आइए देखिए अगला है, फ्लेक्सिबल भी हो गया। आगे आते हैं आइए रैपिड कम्युनिकेशन। रैपिड मतलब फास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि फास्ट कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे इनफॉर्मल। लास्ट है बाबू डिस्टॉर्शन ऑफ द मीनिंग। मतलब देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना मीनिंग को लोग डिस्टॉर्ट कर देते। डिस्टॉर्ट मतलब क्या बताया है? ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब क्या होता है? यू रोटेट द वर्ड्स, यू टोस्ट द वर्ड, यू रोस्ट द वर्ड्स। वर्ड्स का रोस्टिंग करना, वर्ड का टोस्टिंग करना, सुने है ना, शब्दों का रोस्टिंग करना। आप लोग जानते होंगे YouTube पे रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग होता है। सबसे बड़ा रोस्टर कौन है? कैरी मिनाटी नाम का आदमी है, जो सबसे बड़ा लड़का है, सॉरी आदमी नहीं लड़का है, जो सबसे बड़ा रोस्टर है। रोस्टिंग मतलब क्या? शब्दों को लेकर के, मतलब आपका शब्द को इतना रोटेट करेंगे कि लास्ट में आप भी भूल जाइएगा कि मेरा शब्द था क्या। इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना रोस्टिंग और टोस्टिंग ज्यादा होता है भाई, फॉर्मल में इतना नहीं होता है। आप देखोगे जो लोग रोस्टिंग करता है, लोग किसका रोस्टिंग करता है, वो लोग भी सियाना है। वो लोग रोस्टिंग किसका करता है? सेलिब्रिटीज लोग का है, वो लोग कुछ कर नहीं पाएगा।
क्या केस करेगा? तो लोग यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं लोग खुद सेलिब्रिटी होता है। यूट्यूब वाला लोग आपको बताओ होगा आजकल के हीरो हीरोइन से ज्यादा पैसा यूट्यूब वाला लोग कमा लेते हैं, तो वो लोग का खुद कमाई बहुत ज्यादा, वो लोग का अलग ही हार्ड है खाली। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलेगा, उसको पता है कि अगर गवर्नमेंट से सियाना बनेंगे ना, अगर सीएम और पीएम को रोस्टिंग कर दिए ना, तो फिर हम ही रोस्ट हो जाएंगे। उसको पता है, खास करके हम लोग का स्टेट में अगर खाली कर लिए बेटा, अगर हम लोग बंगाल में खाली कर लिए दीदी के बारे में अगर बोल दिए, अब तुम आगे के बाद रेस्ट यू पीपल नो आगे क्या होगा गाइस। तो डिस्टॉर्शन इनफॉर्मल में होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या? दोस्त यार में जब हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे उत्तम को कुछ और, उत्तम समझेगा कुछ और, चंदन को बोलेगा कुछ और, चंदन बोलेंगे देव को कुछ और। आप लोग अपने लाइफ में भी रिलेट करना, ऐसा होता होगा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी फ्रेंड को थर्ड पर्सन के बारे में एक नॉर्मल सा बात बोले थे, वो उसको गलत तरीका से प्रेजेंट किया, तीसरा आदमी पगला है वो बेटा और गलत तरीका से समझ लिया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कम्युनिकेशन होता है आप समझिए। इसीलिए ना आप लोग को सिखाते हैं, कभी भी कोई भी कुछ बोल देना आकर के तुरंत रिएक्ट मत किया करिए। लाइफ में सीखना है, कोई भी आदमी आपका सामने से आता है और आपको कुछ भी बोल देता है कि तुम, जैसे मान लीजिए हमको कोई बच्चा आकर के बोला कि आपका आपको चंदन गाली दे रहा था, एग्जाम्पल ना, मान लीजिए कोई बच्चा हमको आकर के बोला कि भैया चंदन आपको गाली दे रहा था, हमने ठीक है कोई बात नहीं, चंदन का स्वभाव ही है, चंदन को अच्छा लग रहा है, चंदन को गाली देना पसंद है तो देने दो ना, चंदन गाली देकर खुश है तो दो। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक तरीका क्या था, हम बोलते चंदन गाली दिया, रुको चंदन को फोन कर, चंदन को फोन करते, पर तुम गाली बोला नहीं भैया हम तो गाली नहीं, बात बोले उसको नॉर्मली। तो देखिए क्या होता है ना, मैसेज को रोटेट बहुत क्या आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल में इधर का बात उधर, उधर का बात इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। और पता है आपको एक अच्छा नाम सिखा रहे हैं, जिस इंसान का ये आदत होता है ना इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, उसको बोलते हैं ना चाची गिरी। क्या बोलते हैं? चाची गिरी। क्या बोलते हैं बाबू? चाची गिरी। तो चाची गिरी वाला हरकत वाला लोग ऐसे ही होते हैं, राजा का बात पुष्पा को, पुष्पा का बात गीता को, गीता का बात संटू को, संटू का बात मंटू को, मंटू का बात बंटू को, यही है चाची गिरी वाला इंसान लोग। ऐसा बाबू चाची गिरी, बेटा लोग का खा पी के काम नहीं है, हाँ उसका लड़का ही किया, अपना लड़का क्या करे, मतलब नहीं, अपना लड़का बेटा एक लड़की का पीछे पागल हो गया है। आप अपना एरिया में भी देखोगे ना, अपने आसपास में भी जो आंटी लोग हैं उन लोगों को भी देखोगे, उनका अपना लड़का एक तो लड़की से बात करते करते नस फस काट के पड़ा हुआ है घर में। आंटी को चिंता नहीं है, आंटी को ये चिंता है कि बगल वाला का लड़का फोन में काहे बतिया रहा था, काहे फोन में बात कर रहा था बगल वाला का लड़का, काहे बगल वाला का लड़की फोन में बात कर रही थी, काहे वो कपड़ा पहन के निकली घर से, काहे काहे निकली, घूमने जा रही हो का, लॉकडाउन में घूमने जा रही हो का, जा बाबा ये का बात हुआ। मतलब लाइफ इज लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के लोगों को चाची बोलते, चाची क्या होता है वो, चाची। और ऐसे लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही करते हैं, ऐसे लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही करते हैं गाइस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम इतना आपको समझा दिए हैं कि हम सिर्फ आपको पॉइंट बोलेंगे आप समझ जाओगे। आ जाओ एडवांटेज का, एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल का? पहला एडवांटेज है फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन। ये बात गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, देख इसमें क्या गलत क्यों लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ना डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, बात को घुमाना फिराना अलग तरीका से प्रेजेंट करना। इसको काट दीजिएगा नोट्स में से, इस पॉइंट को नोट्स में से काट दीजिए, ये पॉइंट गलत दे दिया है। अब आइए फास्ट कम्युनिकेशन, समझ गए फॉर्मल क्या हो, देखो फॉर्मल वाला फास्ट होता है, फुलफिल सोशल नीड। अब सोचो ना दोस्त क्यों बनाते हैं हम लोग, व्हाई डू वी मेक फ्रेंड्स गाइस, व्हाई डू वी मेक फ्रेंड। कि देखो जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वैसे हम लोग इंसान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वी मेक फ्रेंड टू सेटिस्फाई आवर सोशल नीड्स। हम लोग दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग को सोशल नीड्स भरपूर करना है, दो लोगों से बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, जिंदगी मेरा बीत जाएगा, इसलिए हम लोग दोस्त बनाते हैं। तो सोशल, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए क्या आता है, जिससे सोशल नीड्स पूरा किया जा सके, स्पॉन्टेनियस एफर्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी प्लान नहीं होता है, अचानक से। एक हिंदी में एक लाइन है, बड़ा सुंदर लाइन है, आप लोग शेयर करें। देखिए देखिए उस लाइन को बोलते हैं कि मैं चलता गया कारवा बनता गया। इसका मतलब होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसे ही, आप रास्ता में निकले, आप सोच के नहीं निकले कि कोई दोस्त मिल जाएगा, रास्ता में निकले अचानक से एक दोस्त मिल गया, उससे बात करने लग गए, बात समझिए। फिर एक तो दोस्त आ गया उससे बात करने लग गए, फिर एक तो दोस्त आ गया उससे बात करने लग गए। तो इनफॉर्मल में स्पॉन्टेनियस होता है, अपना मर्जी से हम लोग बात करते हैं, कोई प्लान्ड वे में नहीं होता, अचानक से। प्रोविजन फॉर फ्रीडम, सबसे बड़ा खूबी क्या है? आजादी। लोगों को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यू नो पीपल लव टू हैव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज दे फील फ्री। अब आप अपने घर में देखो, आप अपने घर में देखो, अपने पिताजी से भी आप, ज्यादातर बच्चे आप जनरली क्या होता है ना, लोग पिताजी से उतना बात नहीं कर पाते, हम लोग खुद, आप लोग भी, हम लोग भी खुद, मम्मी से लोग बात कर लेता है, बट पिताजी से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उतना खुल के बात नहीं कर पाते, एक डर सा आपके अंदर रहता है।
तो हर चीज में एक डर रहता है कि पापा बोलेंगे पापा बोलेंगे पापा बोलेंगे। लेकिन वही जब मम्मी का बात आता है तो आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हो, बिकॉज आपको पता रहता है मम्मी तो मना ही लेंगे मम्मी को। तो देखिए, जब आपको फ्रीडम मिलता है ना कम्युनिकेशन में, तो फ्रीडम ज्यादा होता है। इस कम्युनिकेशन इनफॉर्मल को लोग पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर आजादी है, जो बोलना है बोलिए ना प्लीज। लोग फेसबुक क्यों पसंद करते पता है? क्योंकि मन भर के गाली दे सकते, जिसको गाली देना दे सकते। काहे? मान लीजिए सपोज आपको कुछ भी लिखना है लिखिए, कोई आपको ठोकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको जो पोस्ट करना है करिए, कौन आपको बोलने आ रहा है भाई? कोई बोलने नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक खूबी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्रीडम बहुत ज्यादा होता है, आजादी। लास्ट पॉइंट आज के लिए पढ़ा रहे, थक गए बोलते बोलते। अगला है फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के गोल को भी अचीव किया जा सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हेल्प से। क्योंकि जब आप बड़े बड़े बिजनेस में जाओगे ना, वहां पे पिकनिक होता है, कभी कभी गैदरिंग्स होता है, पार्टी होते हैं, जहां पे बॉस लोग छोटे छोटे स्टाफ से भी बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू लव्ड इट। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर बच्चे लोग। चलिए फिर मिलेंगे अगला क्लास में। स्पॉन्टेनियस मतलब अपना इच्छा से।